दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मिर्जापुर। तो मिर्जापुर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जो एक सीरीज आ गई थी उसको लेकर लोग सोचते हैं यहां के लोग बड़े अलग तरीके के होंगे और यहां कालीन भैया रियल में होंगे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्जापुर गंगा तट पर बसा, पवित्र नदी के तट पर विंध्य रेंज से बसा हुआ एक शहर है और यहाँ पर एक शक्तिपीठ जो बहुत फेमस है, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, और गंगा पुल शास्त्री ब्रिज को आप क्रॉस करोगे इस तरफ दाहिने तरफ हो जाता है विंध्याचल, और थोड़ा आगे आ जाओगे तो बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे आपको ये मिर्जापुर शहर स्थित है। इस समय हम खड़े हैं मिर्जापुर के शीतला माता मंदिर चौक पे, और यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी देवी का प्रमुख आकर्षण का केंद्र मंदिर तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और फेमस हैं। शहर में और अन्य पवित्र स्थान हैं, असदभुजा मंदिर, सीता कुंड, काली खोह, बुद्धनाथ मंदिर, नारद घाट, गरुआ तालाब, मोतिया तालाब, लाल भैरव और काल भैरव मंदिर, एकदंत गणेश, सप्त सरोवर, साक्षी गोपाल मंदिर, गोरक्ष कुंड, मतेश कुंड, तारकेश्वरनाथ मंदिर, कनकली देवी मंदिर, शिव शिव समा समूह, अवधूत आश्रम और भैरव कुंड। मिर्जापुर निकटतम रेलवे स्टेशन है और ये विंध्याचल में के पास शहरों को नियमित बस सेवाएँ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो विंध्याचल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें भी है, और यहाँ पे लाल कलर के पत्थर पाए जाते हैं जो तमाम प्रकार के आप कह सकते हो कि शिला और पत्थर है उससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और बहुत सारे उपयोग में लाए जाते हैं। बड़े बड़े लाल कलर के पत्थर यहाँ पे मिलते हैं। शहर के लोग काफ़ी प्रेमी शांत मिजाज के होते हैं, बिल्कुल भी उग्र और बदमाश जो दिखाया गया उस तरह के नहीं होते हैं। मैं विंध्याचल और मिर्जापुर तब से आ रहा हूँ जब मैं 7वीं-8वीं में पढ़ रहा था, और मैं बहुत करीब से शहर को और लोगों को जानता हूँ, आया हूँ। सिटी भी काफ़ी बदल गई है, साफ़ सफाई की सुविधा काफ़ी बढ़ गई है, अच्छे कॉलेजेज हैं, बैंक्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात मिर्जापुरियों की बोली और भाषा बड़ी मीठी होती है। इस समय हम दिखा रहे हैं मिर्जापुर जो कनेक्ट हो रहा है, रोड काफ़ी बढ़िया एक नंबर का शानदार रोड बना हुआ है। अगर आप मिर्जापुर जाना चाहते हैं तो आप बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है वहाँ से भी जा सकते हैं, और बाय एयरपोर्ट अगर आप जा रहे हैं तो आप वाराणसी से उतर के वहाँ से आप जा सकते हो। तकरीबन मेरा अंदाज़ा है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस वहाँ से होगा। सो काफ़ी बढ़िया जगह है। दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि यहाँ पर कालीन भैया और अगड़ानंद वही है और कट्टा फैक्ट्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छे शहर है, अच्छे लोग हैं, आप बिल्कुल मिर्ज़ापुर जाके घूम सकते हो। मिर्ज़ापुर से मेन रोड एक कनेक्ट हो जाता है जो मध्य प्रदेश को कनेक्ट कर देता है, वहाँ से आप माँ शारदा मंदिर जो मैहर में स्थित है वहाँ पे भी जा सकते हो। बाई रोड सीधा रोड है, हाईवे है और काफ़ी बढ़िया रोड है। सो मिर्ज़ापुर की कहानी बहुत कुछ है, अगर मैं बताने जाऊँ तो एक छोटे से वीडियो में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बट काफ़ी अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत फेमस है। अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिर्ज़ापुर का गुड़ है जो मिर्ज़ापुर में एक्सक्लूसिव मिलता है और रास्ते पे बिकते हुए मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया और टेस्टी होता है। तो अगर आप मिर्ज़ापुर जाएंगे तो एक बार ज़रूर इसका स्वाद ज़रूर लीजिए। ये देखिए काफ़ी बढ़िया मैंने खाया और मैं इसको लेके भी आया हूँ, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का गुड़ होता है ये। ये देख लीजिए, इसको इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ बुलबुल का खेल। ये बुलबुल का खेल जो है ये विंध्याचल जो कि एकदम मिर्ज़ापुर से सटा हुआ वहाँ पे होता है, और इसको आप अब इसका पूरा डिटेल भी हम डालने वाले हैं। तो ये बुलबुल की लड़ाइयाँ जो होती है बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, मरने मारने वाली लड़ाई होती है, ये भी हमने वहाँ पे देखा।